सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षक द्वारा अपने शिष्य से झांसा देकर विवाह करने का वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो की तह तक जब गांव में पहुंचा गया तो पता लगा कि लड़की अभी नाबालिग है और उसकी मां ने बताया कि मैं नहीं चाहती थी विवाह हो, लेकिन जबरदस्ती करवाया गया, दबाव देकर जबरदस्ती शादी करवाया, जबकि बाल विवाह पर एक अधिनियम है, बाल विवाह नहीं हो सकता। वहाँ पर प्रशासन भी गया था, 112 नंबर भी गई थी, लेकिन फिर भी शादी हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लोग लेंगे? बाल विवाह पर रोक कैसे लगेगी? यह बड़ा प्रश्न है। जबकि लड़की के माने सोनी चिल्ड्रन कॉलेज पर आरोप लगाया है, वहीं जब भी संबंध में सोनी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई तो प्रिंसिपल ने बताया कि इस समय बच्चे मेरे विद्यालय में नहीं पढ़ती थी और टीचर को मैंने निकाल दिया था। जबकि सोनी इंटर कॉलेज का आई कार्ड लड़की का अभी बना हुआ है और एक बच्चे ने बताया कि अभी जो टीचर शादी किए हैं 5 दिन पहले मुझे उसे विद्यालय में पढ़ाए हैं और लड़की भी इस विद्यालय में पढ़ती थी। अब सवाल यह बनता है कि जिसे विद्या का मंदिर समझकर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां के टीचर इतने बड़े हैवान निकल रहे हैं कि मासूमों को बहला फुसलाकर शादी जैसे अंजाम तक पहुंचा दे रहे हैं। क्षेत्र में इस विद्यालय की इतनी चर्चा हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कौन भेजेगा ऐसे विद्यालय में अपने बच्चियों को जहाँ संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। आइए देखिए लड़की के माँ ने क्या कुछ कहा और जिस मंदिर पर शादी हुई उस मंदिर के पुजारी ने क्या कहा। फिरता देवी। अच्छा, ये जो मसगुदिया मंदिर पे जो 6 तारीख को शादी हुई है बच्ची की, इस पे आप क्या कहना चाहिए, क्यों ये सब घटनाएं हो गई? ये घटना हुआ है जवन गांव लोग दबाव ना आए उसकी डरवा रहे हैं, लड़का की मारे बहुत भी, लड़की को धमकाए कि उसी को घर पे चलेगी तो मार के काट को हम भर के फेंक देंगे। लड़की भी गए मंदिर पे तो हमको देख के रोने लगी, लड़का को हम चप्पल उठा लिए तो लड़का थर 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 गिर गया रो के। डॉक्टर भी आए, दवा भी दिलवाए, तब गांव इतना जनता जुट गई कि शादी कर दो शादी कर दो, घबरा गए, हमें कुछ नहीं ज्ञान आए। अच्छा, जो शादी हुई है आपकी मर्जी खिलाफ हुई है? हाँ, आप चाहती थी शादी हो जाए? नहीं, दबाव में शादी हुआ। दबाव कौन लोग डाले? जनता हमें घबरा दी, मालिक हमारे घर पर नहीं है, ये सब हमारे बहनोई और नाद मात मतलब भाई। अच्छा, बच्ची कहाँ से भागी थी? आपके घर से पढ़ने गई थी? घर से थी, यहाँ से पढ़ने गई स्कूल। किस स्कूल पढ़ती थी? सोनिया इंटर कॉलेज। कहाँ है ये सोनी इंटर कॉलेज? अम्बारी। अच्छा, उसी में पढ़ती थी? उसी में पढ़ती है। तो घटना लगभग कई बजे हुई थी? ये घटना हुई है 1:30 बजे तक, हम 1:30 बजे सुना। आपकी बच्ची मतलब घर से स्कूल पढ़ने गई जी, तो घटना 1:30 बजे, उसके पहले स्कूल वाले ने आपको कोई सूचना दी बच्ची आपकी आई है कि नहीं आई है? नहीं, कोई सूचना नहीं। अच्छा, जो सब ये घटनाएं हुई तो स्कूल वालों ने आपको कुछ सूचना दिया का? नहीं, कुछ नहीं। ये सूचना कहाँ से मिली आपको? ये सूचना मिली है, ये जो लड़का गांव का है तो बम्बई दिया खबर। तो बम्बई से ननद है, तो उन ननद हमारी की फोन करनी ऐसा बात थी, और करिया नाम का लड़का है, कहा वो पकड़े हैं। तो हम कहा ठीक हो, हम आवत है मंदिले पे। तो जब मंदिले गए तो सब भाग गया। हाँ, उसे सोचे कि हम शासन डालिए, तो वहाँ पर 4 लवंडे हैं, 1 मसूदिया का है, 3 कमलदी का है, मतलब भाग गए तब खोजने के लिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जब आपकी बच्ची इस स्कूल में पढ़ती थी तो ये प्यार तो अचानक हुआ नहीं होगा? नहीं। क्या कभी कोई आप स्कूल वाले आपको ऐसी कोई सूचना दिए कि आपकी बच्ची सही नहीं पढ़े, कोई शिकायत की? बात किया तो हम मोबाइल से सुने, तो उसकी शासन डालिए, प्रिंसिपल से बात किया तो कहें नहीं 1 साल से वो नहीं आते हैं स्कूल में, उसके निकाल चुका है। तो हमारे बच्चे गए पढ़े, तब कहा हमको पढ़ाए हैं, आवत है स्कूल। अच्छा, उस टीचर को निकाल दिए थे 1 साल पहले? हाँ, प्रिंसिपल का कहना है। हाँ, लेकिन वो अभी वही पढ़ा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये हम ये जानना चाहते हैं, जब आपकी बच्ची पढ़ती थी तो कभी टीचर वहाँ की स्कूल वाले आपको सूचना दी कि आपकी बच्ची इस तरह कर रही है काम? नहीं, कुछ नहीं सूचना नहीं। कभी गार्जियन मीटिंग में आप जाती होंगी या कोई सूचना नहीं इस तरह मिल पाती? कुछ नहीं, कौनो भावना। तो अगर इस तरह से जिस तरह से ये लोग टीचर और स्कूल वाले लापर उन्हीं के टीचर बच्ची के साथ इस तरह का सर्वनाक घटना कर रहा है, तो आप लोगों को या समाज में क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसी घटना क्यों हो रही है? अब इसी घटना हम क्या बोलें, विद्यालय की लापरवाही है, विद्यालय की लापरवाही है। अच्छा, सोनी चिल्ड्रन कॉलेज स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि उस मास्टर को 1 साल पहले निकाल दिया है। निकाल दिए। हाँ, झूठा बोल रहे हैं ना? हम भी बात करे हैं। हाँ, हम भी बात करे हैं।
किस क्लास पढ़ते हैं उसमें? चार बच्चे पढ़ते हैं, वो लड़की हमारी 12 तक पढ़ी है, वो लड़की 10 में, ये लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, एक 6 में पढ़ता है, 7 में, एक 6 में। आपकी वो बच्ची किस क्लास में पढ़ती थी? 10 में। कितना उम्र रही होगी? 15-16। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी एक अधिनियम है बाल विवाह रोकने का, तो बाल विवाह नहीं हो सकता, तो आप भी नहीं चाहती थी कि हमारी बच्ची के साथ ही हो, लेकिन ये लोग दबाव डाल के, यही दबाव डाल के वो बच्ची, क्या पुलिस भी वहाँ आई थी? पुलिस भी आई। हाँ, वो लोग भी कहे शादी कर लो? नहीं, वो डांट रहे थे, पुलिस डांटे रहे, बच्ची भी डांटे, कहा चाची तुम्हारी बच्ची है, हम काली जी, तो कहा तेरा दिमाग खराब है, बच्ची रोने लगी, बच्ची कहे चल घरे, जब तू जा घरे, कहा नहीं जा। अच्छा, आप कोई आपके ऊपर दबाव प्रेशर कोई धमकी उम्की नहीं दे रहा है? धमकी तो उसी लड़की लड़के के दिया है। हाँ, लड़के नहीं, लड़के के दिया, बहुत मारा, मतलब फूट फाट गया है कुल, और लड़की धमकी दिया घरे चलोगी, जब लड़का के मारे ला, लड़की हमारी हाथ जोड़ी भैया बचा लो, कहे नहीं मैं बचाऊंगी, तब उसे लड़की लड़का बहुत मारे, लड़की के नाच हुए। अच्छा, उस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहिए जो इतनी बड़ी लापरवाही, आपको कोई सूचना नहीं दी? स्कूल ये सोचना ही चाहिए कि इतना स्कूल गंदा हो चुका है, स्कूल बंद हो जाते नहीं, बहुत से घटना हो चुकी है। हाँ। अच्छा, इसके पहले भी हुआ घटना? हाँ, बहुत से घटना, उसी बहुत से लड़की भाग जाती है, उसी कॉलेज में फिर आ जाती है, ये लोग पता डाल देते हैं, कहते हैं भगा दिए। जब आपको जानकारी हो गई थी स्कूल खराब, इसमें बच्चे भेजना ही नहीं चाहिए था आपको भी? स्कूल गंदा हो चुका है, बहुत सी घटना हो, इसी हमें डाउट रही हो, तो अपने बच्चे के हम शासन लगा हो, 2-4 महीना की टाइम दिए हो, नहीं 15 दिन का टाइम दिए हो, तो हम शादीशुदा कर दिए हो, इतना लोग शासन गाँव वाले डाल दिए लफा लुहेड़ा कि उसी लगे शादी, मतलब डरवा दी इतना, अलगंठे डरवा दी है कि घरे चलोगी तो हम मार के बोरा भर के हम फेंक देंगे, लड़का भी के मारेंगे, फिर मारेंगे, मतलब डरा गई लड़की, हमारी साथ नहीं आई के कोशिश करी। लड़की तो अभी नाबालिग थी, उसको बड़ा फुसला गया होगा। हाँ, जिस तरह बता रही अभी 10 में पढ़ रही, तो उसका कितना दिमाग में? बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, वही लड़की है। कहाँ पढ़ते हो? सोनी चिरे इंटर कॉलेज फुलेमबारी आदमी। क्या नाम है? कौन सी क्लास में हो? हिलांशु यादव। किस क्लास में हो? 7th। अच्छा, जो अभी घटना हुई है जो शादी वाला मामला, तो प्रिंसिपल वहाँ के कह रहे हैं कि हम स्कूल में टीचर को एक साल पहले निकाल दिए हैं। नहीं, अभी हमको 5 दिन हुआ पढ़ाए हैं। क्या नाम है उनका? मिथिलेश। अभी 5 दिन पहले वो पढ़ाए थे। क्या पढ़ाते हैं? गणित। अभी वो उसी में पढ़ा रहे हैं। और आपकी जो और लोग हैं वहाँ के टीचर, और जो जो टीचर पढ़ाते थे, क्या आपको कभी लगता था कि कोई हरकत ऐसी करते हैं जिसे कोई जानकारी नहीं हो पाती थी? और प्रशासन वहाँ भी नहीं, सीसी कैमरा वगैरह लगा है स्कूल में आपके? चलता नहीं। अच्छा, चलता नहीं, हर क्लास में लगा हुआ है? क्या स्कूल अच्छा है? नहीं। अब वहाँ पढ़ोगे कि नहीं? हमारे चैनल पे स्वागत है, और आप मसगुदिया प्राचीन मंदिर जो शिव मंदिर अंबारी में पास है, वहाँ के आप पुजारी हैं, महंत हैं। तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके मंदिर का, जिसमें एक टीचर शिक्षक एक छात्रा के साथ इस मंदिर में शादी करने का वीडियो वायरल हुआ है, और ये भी सूत्रों द्वारा पता चला है को लड़की जो है उम्र 18 साल नाबालिग लड़की के साथ शादी हुई है। तो क्या आपके संज्ञान में आपने शादी करवाया था? हमारे संज्ञान में कोई शादी नहीं हुई, मौके पर हम थे, और दरोगा पुलिस भी आए थे यहाँ, कहीं कोई बोला कहाँ की पुलिस थी, अभी हम नहीं जानते कहाँ की पुलिस थी, पुलिस थी, अच्छा, नंबर थी क्या थी, पुलिस थी, यहाँ भीड़ लगी थी 250-300 आदमी की, पूरा पास टूटा था, लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, आपस में मेल करके शादी करके चले गए मंदिर से। हैं, अब वो क्या वीडियो खींचे, कितने पब्लिक थी, कितना वीडियो खींचे, क्या वायरल किए, इसको हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जब आप मंदिर के महंत थे जी, तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन हमने किया, क्यों कर रहे हो? ऑब्जेक्शन हमने किया, पुलिस ने भी ऑब्जेक्शन किया, शादी नहीं होगी, लेकिन पब्लिक नहीं मानी अपना ऑब्जेक्शन, से पहला के 3 साल पे चली। अच्छा, जो आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जो आप यहाँ शादी होती है, आपने रजिस्टर कोई एंट्री नहीं, उनकी कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, ये समाज वाले ही मिलकर शादी कर रहे हैं। पुलिस मौके थी, तो अगर ऐसी घटना
होती है जो जिसमें आपको ये जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि बाल विवाह प्रथा पे रोक लगी हुई है। हाँ, मैंने पुलिस को परमिशन दिया, पुलिस वाले नहीं बोले। पुलिस परमिशन दिया? हाँ, पुलिस वाले आए थे। पुलिस आके हम जिम्मेदार क्या बनेंगे? पुलिस ने कहा कि हाँ, हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे। पुलिस ने इनकार कर दिया। अपने मन से समझ लो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जब प्रशासन है साथ में, तो हम उसमें क्या करें? किस स्कूल के मास्टर थे वो? ये बता देते, सोनिया के मास्टर थे शायद, सोनी इंटर कॉलेज। हम यही नहीं, हम सुने हैं, हम जानते नहीं उनको। सुने हैं लोग, कह रहे सोनिया के मास्टर, सोनिया के मास्टर है। और लड़की भी वहीं थी? नहीं, हाँ वहीं पढ़ती थी। लड़की वहाँ पे पढ़ती थी और वो मास्टर पढ़ाते थे। हाँ, कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य का संबंध रहा। अब क्या है उसमें, क्या है, हमको इतनी जानकारी थोड़ा ही है। इतनी पब्लिक ज्यादा थी यहाँ, क्या हमको जानकारी नहीं। तो कुल मिला जुला के आप यहाँ मंदिर में शादी की है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है? भाई क्यों हूँ, हम नाबालिग तो। लेकिन जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक बाबा बैठ के सिंदूर दान करा रहे हैं, इससे क्या कहेंगे? हाँ, तो बाबा कोई था वहाँ बैठा था, वो बाबा अपना करा दिए होंगे, पकड़े होंगे, करा दिए। हम तो आपकी मंदिर, तो आपके बिना अनुमति बाबा लोग कैसे यहाँ शादी करवा दे रहे हैं? भाई हमारी अनुमति कहाँ थी? नहीं, मंदिर आपकी है, पब्लिक वहाँ ज्यादा है, पब्लिक में हमने पुलिस बुला दिया। अब पुलिस उनको समझे, हम बीच में क्या समझ पाएंगे? जब प्रशासन आ गया तो हम क्या समझेंगे उसमें? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन है भैया, तो हमारी क्या गलती है? और प्रशासन क्या करने जो सौ 300 आदमी खेलते, करने जो हम क्या कर पाएंगे अकेले? हमने प्रशासन को बुला दिया, प्रशासन समझे। धन्यवाद।